ये देखिए एलोवेरा प्लांट, और इसे मैं अभी ट्रांसफ़र करने वाली। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे प्लांट्स आए हैं। आपको पता है मैं ससुराल से लेके आई थी। ये देखो छोटे छोटे बहुत सारे, ये मेन वाला प्लांट है ये वाला, बाकी बहुत छोटे छोटे आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटा इसमें से निकाल के इसमें या इसमें गमले में लगा दूँ। तो यहाँ पे सारा मिट्टी विट्टी मैं निकाल लिया है और मैं बैठी हूँ गैलरी में। तो चलिए देखते हैं हमें कौन से प्लांट लगाऊंगी। और ये फूल वाला है ना, ये मैं एक बार लेके आई थी 150 का, तो बहुत बड़ा था। तो उसी बीज से मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हुए हैं इससे। तो ये प्लांट आपको कभी भी दिखे ना तो आप ले लेना। इसका नाम मुझे नहीं पता है, मगर इस तरीके से फूल होते हैं यहाँ पे, तो आप ले लेना इसे। और इससे ना बहुत सारे आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। तो ये अभी यहाँ पे दो हैं और एक है, और इसमें से तीन मैं प्लांट अपने मौसी को दे चुकी हूँ और बाकी भी बहुत है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी है, ये पता नहीं कौन सा, ये वही है। और यहाँ पे देखो कितने छोटे 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 प्लांट्स निकले हैं ना, उसके बीज गिर के प्लांट्स निकलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का 10 o'clock हुआ है और मेरा चल रहा है यहाँ पे गार्डन का काम। तो मिलते हैं और करती हूँ मैं इसे ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने मिट्टी निकाल ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ मेथी। मेथी दाना डाल रही हूँ, पहले भी मैंने एक इसमें लगाया, बहुत अच्छी खासी मेथी आ चुकी है। यहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ। ये शनिवार का वीडियो है, उस दिन छुट्टी रहता है ना सैटरडे को स्कूल को, तो मैं ये काम कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एलोवेरा मैं ससुराल से लेके आई थी, तो मैंने उसमें से बहुत सारे प्लांट्स निकले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरे इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, तो मैं आगे दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लगाया है। छोटे छोटे फूल भी लगाए हैं। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, संडे की। तो संडे हम बाहर गए, तो ये मार्केट आपको दिखा रही हूँ मैं। आपको पता है ये 20 और 30 rupees में यहाँ पे चीज़ें मिलती है, तो बहुत अच्छी खासी चीज़ें मिलती है। तो मैं यहाँ से कुछ लेके तो आई हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई। तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे टोकरी आई है, टोकरियाँ बहुत अच्छी अच्छी है। और वो सब्जी धोने वाला भी बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे कोई प्लांटर जो है ना आपको दिख रहे 20 rupees में ओनली, यहाँ पे मुझे 100 rupees में मिले थे वो। तो बहुत अच्छी खासी लगी मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी। ये देखो प्लांटर, ये 20 rupees में मिल रहे हैं आपको। तो ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, वो हैंगिंग वाले थे ना वो 20 rupees में थे, नीचे वाले भी 20। इस साइड में जो भी सामान है ना आपको 20 rupees में ही मिल जाएगा, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे हर बार जाती हूँ तो लेके आती हूँ। ट्रे बहुत अच्छा था ये, इसका बहुत हेवी है, अच्छा 2 cup चाय आती कप लेके जा सकती हो, टेबल पे रख सकते हो। और वो जो सामने पॉट दिख रहा है ना, वो मैंने दो लेके आई थी इस घर में आने के बाद, तो 100 rupees में मुझे दिया, तो यहाँ पे 30 rupees में दिया, बहुत बड़ा सा है। और ये देखिए छोटे छोटे चीज़ें जो भी आपको नीड है ना, और अच्छी क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि चीप प्राइस में मिल रहा है, तो बहुत पूरी क्वालिटी है। मैंने सोचा चलो मैं पहले भी इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ बहुत टाइम बाद, तो मैं आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलिए मैं कुछ लेती हूँ और ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फास्ट थोड़ा वीडियो किया है मैंने, क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाता है ना इसके, फिर कभी जाऊँगी तो वहाँ का डिटेल में वीडियो आपको बता के मैं वही का दिखाऊँगी, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। मुझे सर्दी हुई है तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो ये अगरबत्ती लगाने वाला है, थोड़े अलग अलग टाइप का था, वही मैं दिखा रही थी। यहाँ पे देखो ये ट्रे भी 30 rupees में, वो प्लेट, ये सारी चीज़ें अच्छी खासी चीज़ें हैं। ये देखो ये तो छोटा सा, जब हम पकौड़े वगैरह करेंगे ना तो छोटा सा स्मॉल साइज मेरे पास है, वो बड़ा साइज़ का है, तो मैं ये लेके आऊँगी बाद में। और ये डिब्बा देखो आप देख रहे हो बड़ा सा है ना, तो ये भी 30 rupees में। यहाँ पे ना 70 बोलते हैं, कभी 100 बोलते हैं, कभी 150 बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। और ये नीचे का जो ब्लू इसमें दिख रहा है, वो भी स्टील का नीचे का डिब्बा है और ऊपर का कैप प्लास्टिक का है, ये यहाँ पर कांच का स्टॉक है। ये देखो 30 rupees में आपको दिखा रही हूँ प्राइस भी, क्योंकि आप झूठ ना बोलो इसकी वजह से। ये इस साइड में बड़े बड़े चीज़ें हैं, तो ये थोड़े 100, 200, 50, 60 ऐसा कुछ था, और इस साइड में 30 और 20 का था। एक छोटे छोटे चीज़ें भी है यहाँ पे, कोंग, कैची, कटर, लाइटर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बड़े बड़े चीज़ें थे, तो ये मुझे इस यहाँ पे प्लेट्स बहुत अच्छी हैवी है, तो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। अभी मैं ऐसे गई थी गुनगुन को हॉस्पिटल लेके, तो वहाँ पे पड़ता है ना, वहाँ पे मैं सब्जी लेने जाती हूँ वहीं पे ही है। तो हमें सोचा चलो नया कुछ आया क्या देखते हैं, तो कुछ देखा तो मैं लेके तो आई हूँ। ये कैंची का सेट बहुत अच्छा है, ये देखो एक बड़ी है और एक स्मॉल है, 60 रुपये की है कैंची।
लेके तो नहीं आई, मुझे लगता है कपड़ा वपड़ा कटिंग करती हूँ, सिलती हूँ, तो मुझे तब लगता है इसकी ज़रूरत, तो मेरी ख़राब हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखो टोकरीज कटोरीज, ये देखो स्टील वाला सारा कुछ, कोई 50 का था, कोई 30 का था, कोई 100 का था। तो यहाँ पे डिब्बा ना बहुत अच्छा बड़ा सा, तो 200 रुपये का था। तो वही मैं अभी यहाँ पे पूछ रही थी, वो लाइट लगाने वाला था, तो देखो लाइट जला के दिखा रहे, वो छोटा था, मुझे लगा ये ना अंडा बॉईल करने वाला, तो वो बोले नहीं लाइट लगता है इसमें। और ये देखो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, ये 100 रुपये में थी, स्टील का बर्तन लगने वाला, छोटा सा बर्तन, कुछ छोटे छोटे बर्तन हमें घिसते हैं तो तब लगता है, छोटी फैमिली हो तो वो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और ये डिब्बा है ना वो 200 का है, और लॉक भी अच्छा लगता है इसमें, आटा या और कुछ चावल वावल रखने के लिए। और गुड मॉर्निंग, अब ये देखो है नेक्स्ट डे का है, मंडे का, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको प्लांट्स, मैंने इतने सारे लगाए हैं। यहाँ पे देखो ये कट करके बॉटल का, उसमें फूल के लगाए हैं, बाद में मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूँगी, ये दूसरे पॉट में भी हम रख सकते हैं इसकी वजह से। मैं ये देखो यहाँ पे ना मेथी आ गया था, मैं सैटरडे को लगाई ना, तो यहाँ पे मेथी अच्छे से फूल चुका था। मैं जब अच्छा ऊपर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे राई लगाया है, दूसरा एक सब्जी लगाया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने डिब्बा लेके आई हूँ, ये जैसे ऐसे लग रहा है कांच का है, देखो बहुत अच्छा सा है ये डिब्बा। ये मैं 3 का सेट लेके आई हूँ, देखिए 3 का सेट लेके आई हूँ ये मैं। और ये ट्रे मैंने बोला ना वाला ट्रे, तो बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका, डिज़ाइन भी देखो कितना अच्छा है। इस तरीके से इसमें आराम से 3 या 4 कप बैठ सकते हैं, और हम अच्छे से इस तरीके से डेकोरेट करके रखते हैं। और ये पता है ये मालिश करने वाले एंड अपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, देखो इस तरीके से रहता है मसाज करने में, मुझे तो बहुत अलग ही सब फील होता है। और ये डिब्बा लेके आया हूँ, ये अच्छा है, एक हाथ से कर रही हूँ ना इसकी वजह से, ये देखिए। और ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये छोटा सूखा सब्जी या कुछ रखने के लिए भी अच्छा है, तो ये लेके आई हूँ, 3-4 चीज़ें लेके आई हूँ। और ये देखो ये बड़ा सा मक्का, ये मेरे हस्बैंड लिए हैं, उनको पता नहीं क्यों अच्छा लगे इतना बड़ा सा, तो वो लेके आए हैं। तो यही सारा लेके आई हूँ, बस ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी मैं, इतना ही लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।